हो चुका है ट्रांसलेशन, तो मैं अपने दोस्तों को ये भी गुजारिश करूँगा कि वो इस किताब का लेखन है। वो ऐसी नहीं है, ये किताब हमेशा जो दानिशवर होते हैं, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, बड़े भाई भाई मैंने करीमा का चिल्ला साहब, मेरे छोटे भाई मैंने चौधरी भोट साहब, मैंने शफीक कराना साहब, प्रिंसिपल रिटायर प्रोफेसर अजहर हुसैन साहब, मेरे सारे दोस्त पीपल ग्रुप के लाल भट्टी साहब, मेरे क्लाइंट गुमा साहब, मेरे इस बार के सीनियर मुकला साहबान, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, मेरी बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले अपने बड़े भाइयों का, अपने मेहमानों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी अदीम कायद, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के इदारों की मजबूती के लिए कुर्बान हो जाने वाली, शहीद हो जाने वाली बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आपने गौरव बख्शी और आपने अपनी इस घोषणा को, अपनी इस बैंक को, हमारी इस कायद को आप लोगों ने खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ आने की हिम्मत की, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह मेरे बड़े भाई, मेरे मोहतरम चौधरी अब्दुल कयूम कुमो साहब ने फरमाया है कि बेनजीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत थी, उन्होंने कभी अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लिया। अब्दुर्रहमान, मैं इनकी बात की भाग मुफाई करता हूँ। सियासतदान हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी और इस्तेकाम के लिए, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, अपने इदारों के इस्तेकाम और मजबूती के लिए तमाम जमातों को साथ मिला के चलता है, जो कभी इंतकाम का सोचता नहीं। तो बेनजीर भुट्टो साहबा या कायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हूँ, दोनों कायदीन ने और उसके बाद मुफाहमत की सियासत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने भी कभी इंतकामी सियासत नहीं की, उन्होंने अपने मुखालिफीन को अपने साथ मिला के चलाया है ताकि इस मुल्क का इस्तेकाम हो, इसमें मुल्क, इस मुल्क में डिक्टेटरशिप का खात्मा हो, इस मुल्क में जो खराई मखलूक सब खून मारती है तो उनको सब खून मारने का मौका ना मिले। यही वजह है कि आज आपके सामने तमाम जमातें मिलकर इस मुल्क में रूल कर रही हैं, हुक्मरानी कर रही हैं और गंभीर मसाइल से इस मुल्क को निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। मैं आज के तमाम हुक्मरानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का आज पहला बजट है इस दफ़ा जो बगैर वर्ल्ड बैंक के, IMF के, उनकी हिदायत के बगैर पेश किया गया और मंजूर किया गया। ये भी आप लोगों की खुशकिस्मती है, इस मुल्क की खुशकिस्मती है और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं, कि ये मुल्क बेबाक क़यादत की, देरे क़यादत तरक्की करेगा, मईशत तरक्की करेगी, इंशाल्लाह हमारा मुल्क
तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा होगा। वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह, और हमारे चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन जो कायदे आम जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के बेटे हैं, जो आसिफ अली ज़रदारी के लख्त जिगर हैं, तो उनकी क्यादत में, नौजवान की क्यादत में उसमें पोटेंशियल है, उसमें वो एनर्जेटिक शख्स है, उसमें इंटेलिजेंसी है, एलिजिबिलिटी है, तो इस मुल्क को गंभीर मसाइल से निकाल कर तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ पहला खड़ा करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिंदा कौमें हमेशा अपने मौसमों को भुलाया नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, उन्होंने मुल्क के लिए जान तो कुर्बान कर दी, डिक्टेटरशिप के सामने साथी को नहीं किया, असूलों पर सौदेबाजी नहीं की, और किसी गैर उनकी आगाओं की आप सब लोग जिंदाबाद, बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद, क्योंकि मेरे यहाँ पे तमाम मुस्लिम बरादरी आज इकट्ठी है और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं। मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ कि ये बिना सियासी तफरीक के बगैर हमारी रिक्वेस्ट पर हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के आज सालगिरह के मौके पर बगैर किसी सियासी तफरीक के हमारी शहीद कायद शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करने हैं, करने आए, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मैंने वसीम जाम साहब तशरीफ लाए, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो मेरे भाइयों, में आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक तबके की जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तमाम पिछड़े हुए तबकात की जमात है, किसानों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूमों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जिससे मुल्क के निचले से निचले तबके तक उसके असरात पहुँचे, उनको फायदा हो और वो अपने पाँव पे खड़े हों, जिसकी वादे के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके जरिए 70 लाख खवातीन, पाकिस्तान की 70 लाख खवातीन, यानी आप ये समझ रहे हैं कि 70 लाख खानदान इससे वो सफील हो रहे हैं। और इस बजट में 450 अरब रुपए रखे गए हैं इस मकसद के लिए, इस प्रोग्राम के। मेरे भाइयों, ये आपके इस भाई को इजाज़ हासिल है, मैं पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। आप दोस्तों की दुआओं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने आपके इस वर्कर को, इस कारकुन को, इस गरीब आदमी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात है, आवाम की हकीकी आवामी जमात है, उसका मुझे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का सफर बनाया है। मैं आप लोगों की दुआओं का भी शुक्रगुजार हूँ और आपकी अलग करने का भी शुक्रगुजार होता हूँ। अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद मेरी क़यादत की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, और मैं आप सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ज़िला मुजफ्फरगढ़ के आवाम की फलाह के लिए, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के पिछड़े तबकात के लिए, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के किसानों, मजदूरों, तालिबिलों के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, वकला के लिए, जो भी बन पड़ा अपनी मिसाद के मुताबिक, मैं आपकी खिदमत करूँगा और आपका एहसास दूंगा। आपके सामने पिछले दिनों वकला प्रोटेक्शन बिल जो पास हुआ है, लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल, वो भी हमारी क्यादत
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब के मरहूम में मिन्नत है। उन्होंने कहा कि वो करा को आम शख्स कभी फायर मार देता है, कभी गाली देता है, कभी थप्पड़ मार देता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बेल होना चाहिए, उनको उनके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। तो कानून बन गया है आपके सामने, सलामी बहुत रहती है, इसमें मजीद की गुंजाइश है, जो जो आपकी तजावीज ऊपर जाएंगी हम तक आएंगी, हम ऊपर पहुंचाएंगे, या आपके जो नुमाइंदगान हमारे बैठे हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें तरामीम भी हो सकती है इंशाल्लाह ताला, तरामीम होके बेहतर से बेहतर आपके लिए काम किया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं बाहर के तमाम मुलाजमीन जो हमारे साथ यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, रहमान हो या उसकी पूरी टीम, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बाहर के सदर का सदा शेर मोहम्मद भाई साहब का मैंने उनको दावत दी, तो उन्होंने कहा कि मैं आज हाई कोर्ट में हूँ, अगर पहुँच सका तो पहुँच जाऊँगा, वरना आप सब मालिक दोस्तों ने पहली स्पीच अगर सुनी हो, जब ये इकतदार में आए थे तो मेरे कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, हम सियासतदान हैं, हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि लड़ा गया है, आप आ गए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए हमारे साथ बैठे में मिसा के मीशत करते हैं। उसको समझ ना आई तो मिसा के मीशत भी ना कर सका, और जो उसको लाए थे वो भी तंग हो गए, लाने वाले थे उनको घर भेजने वाले भी वही थे, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद अपनी मदद से गिरेंगे, आप खुद गिरे, आज हम आप अकेले हैं, आपके जितने साथी थे जो चुन 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 कर आपको दिए गए थे वो तो सारे वहाँ से निकाल दिए गए, अब दीवार नीचे से खाली हो गई है, दीवार खराब हो गई है, आप खान साहब अकेले बैठे हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक इस पार्टी को बैन नहीं होने दिया। आप सारे दोस्त जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है आप क्या सुनते भी समझते हैं, आप कई माउसर सोसाइटी हैं, हमारी इतिहादी जमातें इसको बैन करना चाहती थी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासी जमातों को बैन नहीं क्या करते, आप इसको बैन ना करें, इसके मैदान में मुकाबला करने से, इस वजह से आज तक ये बैन नहीं हुई। फिर कहा गया इमरान खान को अरेस्ट कर लें, हमारे कायदी ने कहा इमरान खान को अरेस्ट नहीं करना, ये सियासतदान है, इसको सियासत करने नहीं है, सियासत सीखे, अब ये बाप बैठ के सियासत सीख रहे हैं। अगर मेरे ख्याल में इसको पीपल्स पार्टी की सियासत समझ आ गई, क्योंकि जरदारी साहब ने आम का फ्लोर होता हुआ कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये पीपल्स पार्टी की सियासी यूनिवर्सिटी से निकल पाएगा है, पीपल्स पार्टी है, और इमरान खान साहब को भी पीपल्स पार्टी की सियासी यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। हम इंतजाम की सियासत के कारण नहीं है, हम अकूत के कायल हैं, हम भाईचारे के कायल हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की के कायल हैं, पाकिस्तान की मीशत की बेहतरी के कायल हैं, हम किसानों की बेहतरी के कायल हैं, हम मजदूरों की बेहतरी के कायल हैं, हम निचले कुचले हुए सरकार को अपने पांव पे खड़ा होने के कायल हैं। मैं आज सारे दोस्तों को दोस्तों की मौजूदगी में अपने शहीद रानी मोहतरमा बेगम भुट्टो साहिबा की 70वीं साल गिरा पर मैं उनकी रूह को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज कीमत पेश करता हूँ। आप सारे लोग मेरे ख्याल में बहुत कम रह गया हूँ आपका, और जल्दी भी बहुत है, हमारा जो टाइम भी हो गया है, मैं सारे दोस्तों का भाई यहाँ साहब लाए, मेरा तारीख के रूप में जितने दोस्त ये के सामने लाए हैं, मैं सारे एक एक दोस्त का नाम हूँ, आपको लेकर सारे दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ, आप हमारी इस खुशी में शामिल हुए, हमारी घर मकान तकलीफ में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा आप सारे Thank you.